Students of class 4, today is Tuesday and the date is 14 July. Today we will start our new chapter, Jumbo and Meeko. ठीक है, they are two animals. ठीक है, हम Jumbo और Meeko के बारे में पढ़ेंगे. Chapter number 4 का title page बना लीजिएगा बेटा आप लोग. अब मैं reading कर रही हूँ, मेरे साथ read कीजिए. Jumbo was a huge elephant. Jumbo एक बहुत बड़ा elephant था. He lived in a forest of a टॉल ट्रीज, बड़े से दरख्तों का एक जंगल था जहाँ पे जंबो रहता था. थॉर्नी बुशेस थे वहाँ पे, थॉर्न मतलब कांटों वाली झाड़ियाँ थी, और मैनी काइंड्स ऑफ क्रीपर्स थी, और बेलें थी बहुत सारी वहाँ पर, पौधों की जो बेलें होती हैं. थ्रो द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट पास द स्ट्रीम ऑफ क्लीन कोल्ड वाटर, और बीच में एक जो है वो चश्मा था, तालाब था, क्लीन वाटर का, ठंडे पानी का. जंबो लव्ड हिज होम, वो वहाँ रहता था, उसको वो बहुत पसंद था. ही पुल डाउन द ब्रांचेस, वो ब्रांचेस तोड़ता था अपनी सूंड से, ट्रंक से, स्ट्रॉन्ग ट्रंक से, एंड मंच्ड हैप्पीली, और फिर उनके लीव्स खाता था. ठीक है, एंड मंच्ड हैप्पीली ऑन द ग्रीन लीव्स, ठीक है, उनको चबाता था खुशी खुशी. जंबो फेवरेट स्पोर्ट वॉज टू प्ले इन द वॉटर ऑफ द स्ट्रीम. देखें जंबो यहाँ पे खेल रहा है ना, जंबो खेलता था उस तालाब में, पानी के तालाब में. ठीक है, जंबो फेवरेट स्पोर्ट वॉज टू प्ले इन द वॉटर ऑफ द स्ट्रीम, उसको मज़ा आता था उस तालाब में, उस चश्मे में. ही लाइक द रिफ्रेशिंग टच ऑफ वाटर, ही लाइक द रिफ्रेशिंग टच ऑफ वाटर, उसको वहाँ के वाटर का टच बहुत अच्छा लगता था. सम टाइम्स, कभी कभार, ही फिल्ड हिज लॉन्ग ट्रंक विद लिटल ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर, और वो अपनी सूंड को, ये देखें इसकी सूंड है, ठीक है, ये इसकी सूंड है, इस सून में वो क्या करता था, पानी भर लेता था बहुत सारा लीटर्स ऑफ वाटर, और उसके बाद स्क्वेटेड इट आउट, और उसके बाद वो ना फेंकता था अपनी सूंड से बाहर. ठीक है, शावर की तरह, ठीक है, अपनी सूंड से पानी फेंकता था. ठीक है, तो समटाइम्स ही स्प्रेड टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर एज दो हिज ट्रंक वॉज स्प्रिंकल. ठीक है, ऐसा लगता था जैसे उसका जो ये सूंड है वो एक फव्वारे की तरह है, और उसमें से पानी निकल रहा है, स्प्रे हो रहा है. ठीक है, तो ये आज मैं आपको यहाँ तक रखती हूँ. ये फर्स्ट पेज है, आप इसका टाइटल पेज बना लीजिएगा. कि ये वर्ड्स मीनिंग है, ये वर्ड्स मीनिंग भी आप लोग अपनी कॉपीज में उतार लीजिएगा. ठीक है, क्लास 4, ये वर्ड्स मीनिंग है, ये वर्ड्स मीनिंग है आपकी, आप इन वर्ड्स मीनिंग को अपनी कॉपीज में उतार लीजिएगा. ये आपका 14 जुलाई का काम है. थैंक यू क्लास.